हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, महाराष्ट्र का महोत्सव गणेश उत्सव यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुंबई का पंडाल, यहाँ का हमारे एरिया के पास का जो फेमस पंडाल है, जो फेमस राजा कहा जाते हैं, गोरेगांव के राजा, उनका पंडाल है यहाँ पे गाइस। तो हम आज आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं, अलग अलग पंडालों में जाके अलग अलग पंडाल दिखाएंगे। सॉरी फॉर द वॉइस गाइस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम आपको दिखाएंगे अलग अलग पंडाल, अलग अलग पंडालों में कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ विराजमान हैं, उनके दर्शन करवाएंगे, ताकि घर बैठे बैठे आप भी गणपति बप्पा के दर्शन कर सकें। और ये जो गणेश उत्सव है ना गाइस, ये लोकमान्य तिलक जी ने आयोजित किया था। ये क्यों आयोजित किया था? ताकि सारे लोग एकत्र होकर अच्छे से पूजा अर्चना करें और प्रभु का आशीर्वाद लें, गणपति जी की अर्चना करें, उनका आशीर्वाद लेके अपने कामों में आगे बढ़े, सफलता करें, ताकि सब में भाईचारा हो, सब में एकता हो। और जैसे कि आप जानते हैं, कोविड 2 साल तक तो कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, पर इस साल बहुत ही धूमधाम से गणपति जी का आगमन हुआ है इस मुंबई में। मुंबई क्या, पूरे महाराष्ट्र में और भी भिन्न भिन्न जो अपने वो हैं, स्टेट्स हैं, उनमें अच्छे से गणपति जी का बहुत धूमधाम से आगमन हो रहा। आपको घर बैठे बैठे गणपति बप्पा के दर्शन भी करवाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा गणपति बप्पा मोरिया। गाइस, हम आ चुके हैं गणपति जी के पहले पंडाल में, जो कि है गोरेगांव के राजा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी बड़ी मूर्ति है, विशाल मूर्ति है। जैसे कि आपने देखा गाइस, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। इस साल जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना काल के बाद बहुत ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो देखिए गाइस, कितनी सुंदर मूर्ति है। हमने दर्शन किए, हमने घर बैठे बैठे आपको भी दर्शन कराए। तो अब हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही एक और पंडाल में। ये जो है गणपति बप्पा, इनकी विशेष खासियत है, ये गोरेगांव के राजा कहा जाता है इनको, क्योंकि इनकी जो मूर्ति है बहुत ही विशाल मूर्ति है गाइस। तो आप भी दर्शन घर बैठे बैठे गणपति बप्पा के दर्शन दीजिए। तो मेरे साथ बोलिए गाइस, गणपति बप्पा मोरिया। तो चलिए गाइस, मैं आपको ले चलती हूँ एक और पंडाल एक्सप्लोर करने गाइस। कि आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना, इसको कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा है। जो रियल में ये जो मूर्ति है, इतनी ह्यूज है ना गाइस, वो इसमें आपको वीडियो में कम दिख रही है, पर रियलिटी में ये मूर्ति इतनी ह्यूज है। ये देखिए, छोटे गणपति बप्पा और ये बड़े गणपति बप्पा गाइस, इतनी सुंदर मूर्ति है गाइस, आप ये देख सकते हैं गाइस। तो आप भी घर बैठे बैठे जो भी मनोकामना है आपकी, घर बैठे बैठे गणपति बप्पा से मनोकामना मांगिए और आशा कीजिए कि हमें हमेशा हम सब कुछ स्वस्थ रहे, खुशहाली से रहे, कोई भी प्रकार की बीमारी हमको अब कोई भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। और एक और बात गाइस, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा मैं आपको कौन से पंडालों के दर्शन करवाने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और चलिए गाइस।
नेक्स्ट पंडाल में। तो ये हैं गोकुलधाम के राजा, गोकुलधाम के बहुत ही फेमस गणपति हैं ये। तो चलिए गाइस हम आपको दर्शन करवाते हैं। हमारे यहाँ गणपति फेस्टिवल इस बार 2 years बाद मनाया जा रहा है आफ्टर कोविड। सो व्हाट इज आपकी एक्सपीरियंस क्या है अभी, आपकी मनोकामना या मनोभाव? It's actually very 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 much fun because 2 saal baad Ganpati ho raha hai, actually enjoying and वापस reunion हुआ क्योंकि फिर हमारा reunion ही नहीं हुआ था, so all group together and it's after all fun. After 2 or 3 years and we had a lot of food, एकदम yummy. भंडारा का food, yeah. Seriously. That's very all. Nice. Bye bye. See you. So guys, subscribe to Mumbaikar Meghna, like, share, comment, yeah, that's all. Bye. Bye, take care.